सभी लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फौरी फौरी सब्सक्राइब कर दें, तो अच्छी अच्छी व्लॉग मेरे इसी चैनल पर आते रहेंगे। तो आज ही मुझे गुड न्यूज़ मिली है कि हमारे इलाके में एक शो हो रहा है, मेला हो रहा है, बहुत हमारे जो गाँव है तो उनसे 3 किलोमीटर दूर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उनकी भी अभी से तैयारियाँ हमारी शुरू हैं। पड़ोसी उनसे ये मुझे पता चला है कि 16 तारीख को हमारा जो मेला है बहुत बड़ा, जो हमसे 5-6 किलोमीटर दूर है, वो बहुत ही बड़ा मेला है। उनकी उनसे सिंध के और पंजाब साइड के बहुत ही बड़े फनकार भी आने वाले हैं। बता रहे हैं कि जीशान खान रोखड़ी भी आएंगे। मेले पर जाने का मूड है कि नहीं? कल हम देखो, मेरा मूड हुआ तो हम आपको बताएंगे भाई। कितने कितने दिन है बाकी? बाकी कल है। कल है? कल नहीं है, 2-3 बड़े नहीं है। 16 तारीख को है। 16 को नहीं है भाई? भैया 16 को है यार, वो पोस्टर आया था ना, वो उसमें तो 16, 17, 18 को बता रहे थे। बताऊँ हमारे गांव में जो मेला होता है उसकी तैयारी कैसे करते हैं लोग ऐसे करते हैं कि रात को जो हमारे जो ये हैं रात वाले लोग, जो गरीब बंदे हैं, वो क्या करते हैं रात को, वो मैं बताता हूँ। रात को शराब पी के जाते हैं वो मेले पर। वो तो 1-2-3 साल की मैं आपको वाकया बता रहा हूँ। तो एक बंदा था हमारे गाँव का, हम जा रहे थे उधर मेले पर, तो उसको मैंने तो कहा ये मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं था, वो शराब की वजह से गश हो गया था। तो इसीलिए ये हमारे देहात में बहुत ज़्यादा मसला पेशवा हो जाता है। तो इसी मेलों पर भाई देहात ख्याल कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी होता है। मैंने ये एक माइक लिया है तो इस दुकान वाले से मुझे तो ये फ्रॉड कर गए, फ्रॉड तो नहीं किया लेकिन अच्छा खासा है, लेकिन इसमें वीडियो थोड़ी सी खराश आती है तो इसी वजह से कुछ हो जाता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इतना चाइना वाला माल है भाई, चाइना वाला माल आता है भाई पाकिस्तान में, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यही लिया है भाई, ये इससे तो वीडियो में बनाता हूँ लेकिन इसको मैं इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता क्योंकि इसमें से आवाज़ इतनी लंबी नहीं आती, ज़्यादा साफ़ नहीं दिखाई देती, तो मैं यूज़ इतना नहीं करता हूँ। ज़्यादातर वीडियोस मेरी ऐसे ही होती है, मोबाइल की माइक से ही होती हैं। तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा घास हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा घास हो गया है। मैं तो यहाँ किसानों को बहुत ज़्यादा कहता हूँ भाई निकालो निकालो, फिर बारिशों में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल पेश आ जाएंगी। और अभी शाम का भी टाइम हो चुका है, मैं तो अभी यहाँ पर शाम में बैठा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं गंदम की भी सारी कटाई हो चुकी है और यहाँ से देहात वाले लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा माहौल खूबसूरत लग रहा है भाई। तो मेले का भी मैंने आपको बता दिया, तो मेला जो भी 3 दिन के बाद होगा तो मैं आपको और सी वीडियो बना दूंगा कि मैं मेले पर जा रहा हूं, तो आपको सारी वहां की मले छलें जो भी होंगी, जो भी टारगेट होंगे, मौत के हुकू होंगे, जो भी होंगे, बहुत सारा गंद होता है भाई मेले पर, वो भी आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो फौरी फौरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही मेले की देहात की ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं कोई ताज़े नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।